प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए यूजिंग इक्विवेलेंस थ्योरम। अब सेकंड मेथड हम देख रहे हैं माइहिल न्यूरोड थ्योरम, यानी कि टेबल फिलिंग मेथड। लेकिन एग्जाम में अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किससे डीएफए को मिनिमाइज करना है, तो आप इक्विवेलेंस थ्योरम ही यूज़ करना, क्योंकि इसको यूज़ करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू टेबल फिलिंग मैथड। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, डीएफए मिनिमाइजेशन यूजिंग माइहिल न्यूरोड थ्योरम, यानी कि टेबल फिलिंग मेथड। तो सपोज हमें ये डीएफए दी हुई है, इसको हमें मिनिमाइज करना है यूजिंग टेबल फिलिंग मेथड। तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं इसमें। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है कि ए कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू इटसेल्फ। एक स्टेट को आप खुद से ही कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। हम यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे एक स्टेट का बाकी रिमेनिंग स्टेट से, ठीक है। हर स्टेट का रिमेनिंग स्टेट से करेंगे, लेकिन उसका कंपैरिजन खुद से नहीं करना है, ठीक है। किसी भी स्टेट का कंपैरिजन खुद से नहीं करना है। उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स होंगी डीएफए में, उन सभी को कंपेयर करेंगे हम। नेक्स्ट क्या करेंगे, एलिमिनेट डुप्लीकेट सेल्स इन दी टेबल। तो जितने भी डुप्लीकेट सेल्स होंगे टेबल में, उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये टेबल फिलिंग मेथड है, इसका मतलब है हमें एक टेबल बनाना होगा। तो जैसे अगर हम देखें, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसका टेबल कैसे बनना था, हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं उन्हें हम रो में लिख लेंगे और कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी स्टेट खुद से कंपेयर नहीं होगी। तो Q0 से कंपेयर नहीं होगी, तो हमने क्रॉस लगाया। Q1 से नहीं होगी, Q2 से नहीं होगी, Q3 से नहीं होगी, Q4 से नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा है कि जितनी भी डुप्लीकेट सेल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो। तो डुप्लीकेट सेल कौन से हुए, अगर हम इन दोनों सेल को देखें, ये सेल है Q0 Q1 और ये है Q1 Q0। ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे Q0 Q1 लिखा हो, चाहे Q1 Q0 लिखा है, इन दोनों का ही मतलब है कि हम Q0 और Q1 को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ डुप्लीकेसी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला सेल है इसको रिमूव कर देंगे और इसको रहने देंगे। अब ऐसे ही डुप्लीकेट सेल कौन सा हुआ, यहाँ पर देखो ये कौन सा है, Q2 Q0, ये भी Q2 Q0 है, तो इसको नहीं लेंगे। ये वाला सेल कौन सा है, Q2 Q1, और ये वाला सेल भी क्या है, ये वाला सेल भी Q2 Q1 है, तो ये नहीं लेंगे हम। ये वाला देखो Q3 Q0, ये Q3 Q0 यहाँ भी है, तो इसको नहीं लेंगे। ये क्या है, Q3 Q1, इसको भी नहीं लेंगे हम। ये है Q3 Q2, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। तो इस टाइप से ये सारे सेल्स जो हैं इनको हम एलिमिनेट कर देंगे टेबल से। तो सिर्फ हमारे पास इतना टेबल बचेगा, इस टेबल को हमें फिल करना है यूजिंग माइहिल न्यूरोड थ्योरम। बाकी इन अपर सेल्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास इस टाइप का एक टेबल बचेगा, जिसमें यहाँ पर होगा Q1, क्योंकि ये Q0 वाले तो देखो पूरी रो डिस्कार्ड हो गई। तो हम यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, Q1 से लिखना, Q2 Q3 Q4, और यहाँ पर Q0 Q1 Q2 Q3, क्योंकि देखो यहाँ Q4 भी पूरा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो रोज में Q0 नहीं आएगा, कॉलम्स में Q4 नहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना था, कोई भी स्टेट खुद से कंपेयर नहीं होगी, डुप्लीकेट सेल्स को हम टेबल से रिमूव कर देंगे। सेल विथ फाइनल कॉमा नॉन फाइनल स्टेट फॉर्मेट मार्क एक्स। तो सेल में जो भी सेल्स होंगे वो करस्पॉन्ड करेंगे किसी दो स्टेट से, जैसे Q1 और Q0 की बात करें हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस सेल में कॉम्बिनेशन आ रहा है एक फाइनल स्टेट का और एक नॉन फाइनल स्टेट का, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट चेक करेंगे कि स्टेट्स इक्विवेलेंट है कि नहीं। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि कब कहेंगे स्टेट्स इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। तो अगर वो मेथड अप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है Q1 Q0 के कॉम्बिनेशन से हमें ये वैल्यू मिल रही है, एक फाइनल स्टेट मिल रही है, एक नॉन फाइनल स्टेट मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगी, तो आप क्या मार्क कर दो, क्रॉस।
तो वो सारे सेल्स जिसमें फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा उसे हम एक्स से मार्क कर देंगे, इसका मतलब है वो दोनों स्टेट्स इक्वलेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वलेंट स्टेट्स ही फाइंड करेंगे जैसे इक्वलेंस थ्योरम में फाइंड किया था। ये दो स्टेप्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, अब नेक्स्ट स्टेप्स के लिए हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना। इससे पहले लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि दो स्टेट्स को हम कब कहेंगे कि वो इक्वलेंट है। तो टू स्टेट्स आर सेट टू बी इक्वलेंट इफ फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स इफ वन स्टेट गोज टू फाइनल स्टेट देन अदर ऑल्सो शुड गो टू फाइनल स्टेट। तो दो स्टेट्स को हम कब फाइनल बोलेंगे, जब सपोज करो Q0 और Q1 स्टेट को हम इक्वलेंट कब बोलेंगे, जब हम Q0 पे A और B इनपुट देने पर, जब Q0 पे A और B इनपुट देने पे अगर सपोज हम एक फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं और Q1 पे भी A और B इनपुट देने पर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों स्टेट्स Q0 एंड Q1 क्या हैं, इक्वलेंट है, ठीक है। या फिर अगर आप Q0 पे सारे इनपुट्स देने के बाद अगर एक नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हो और Q1 पर भी A और B इनपुट देने पर अगर आप नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हो, तब भी हम क्या कहते हैं कि ये दो स्टेट्स जो हैं वो इक्वलेंट है, यानी दोनों के सारे ट्रांजिशंस, सारे इनपुट देने पे जो ट्रांजिशंस आ रहे हैं, अगर वो उस स्टेट को फाइनल स्टेट पे ले जा रहे हैं और दूसरी को भी फाइनल पर ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वलेंट है, और अगर दोनों को नॉन फाइनल पे लेके जा रहे हैं ट्रांजिशंस तो भी वो इक्वलेंट है। लेकिन अगर एक के ट्रांजिशन से हम नॉन फाइनल स्टेट पे रीच कर रहे हैं तो इस केस में ये दोनों स्टेट डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगी, इक्वलेंट नहीं होंगी। तो टू स्टेट्स आर सेट टू बी डिस्टिंग्विशेबल और नॉट इक्वलेंट इफ ऑन एनी पॉसिबल इनपुट इफ वन स्टेट गोज टू फाइनल स्टेट एंड अदर रिमेन इन नॉन फाइनल स्टेट। तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो डायग्राम हमें क्या बनाना है, टेबल, टेबल में बता चुकी हूँ आपको, ये सारे जो हैं इन सबको हम एलिमिनेट कर देंगे टेबल से, बाकी सिर्फ यही वाले सेल्स रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें फाइनल और नॉन फाइनल्स को सेपरेट करना है, जैसे इक्वलेंस थ्योरम में भी किया था। तो यहाँ पर Q4 जो है वो क्या है, फाइनल स्टेट, और बाकी सारी क्या है, नॉन फाइनल स्टेट। तो Q4 और बाकी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन आपको कहाँ दिख रहा है, ये लास्ट वाली रो में Q4 का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, Q0, Q1, Q2, Q3। तो यहाँ पर सेल में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन जो आ रहा है एक फाइनल का है एक नॉन फाइनल स्टेट का है, तो ये नॉट इक्वलेंट होंगी। तो नॉट इक्वलेंट होंगी तो हमें इस सारी वैल्यूज को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस सेल को देखूँ तो ये कॉम्बिनेशन है Q0 और Q4 का, तो Q0 एक नॉन फाइनल स्टेट है और Q4 जो है वो फाइनल स्टेट है, तो ये दोनों इक्वलेंट नहीं हो सकते हैं कभी भी। सिमिलरली अर्ली इन चारों सेल्स को हम क्रॉस कर देंगे, क्यों किया है क्रॉस, क्योंकि Q4 जो है वो फाइनल स्टेट है और Q0, Q1, Q3 जो हैं वो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो टेबल है उसके बाकी सेल्स को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम Q0 को Q1 से चेक करवाएंगे, Q2 से चेक करवाएंगे और Q3 से चेक करवाएंगे, ठीक है। ये वाली तीनों एंट्रीज सेल की हमें चेक करनी है कि इनमें क्रॉस आएगा कि नहीं आएगा, कि ये इक्वलेंट हैं कि नहीं है। तो हम Q0 को Q1 से चेक करवा रहे हैं, Q0 को Q2 से और Q0 को Q3 से। तो Q0 पे A इनपुट देने से हम Q1 रीच कर रहे हैं और Q1 पे भी A इनपुट देने से हम Q1 पर रीच हो रहे हैं, तो यानी कि सेम स्टेट आ रही है। तो यहाँ हम नहीं बता सकते हैं कि ये इक्वलेंट हैं कि नहीं। अब हम इन दोनों पर Q0 और Q1 पर B का इनपुट देखेंगे। तो Q0 पे B इनपुट देने से हम Q2 रीच कर रहे हैं और Q1 पर B इनपुट देने से हम Q3 पर रीच हो रहे हैं। तो Q2 और Q3 क्योंकि दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, तो क्योंकि दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स हैं इसका मतलब है कि Q0 एंड Q1 क्या हैं, इक्वलेंट हैं। हम इसमें इस वाली एंट्री में क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट इक्वलेंट होती तो हमें क्रॉस करना पड़ता। सिमिलरली अब हम Q0 Q2 को चेक करें, तो Q0 पे A इनपुट देने पे हम कहाँ रीच हो रहे हैं, Q1, और Q2 पर A इनपुट देने पे हम कहाँ रीच हो रहे हैं, Q1, यानी सेम स्टेट पे, ठीक है, सेम स्टेट पे।
अब Q0 पर B इनपुट देखें तो Q2 पे जा रहे हैं और Q2 पे भी B इनपुट देने से Q2 पे जा रहे हैं, यानी सेम स्टेट। तो क्योंकि ये भी सेम स्टेट है, ये भी सेम स्टेट है, ये इसका मतलब है Q0 और Q2 भी इक्वलेंट है, हम यहाँ पर भी क्रॉस नहीं करेंगे। अब चेक करेंगे हम Q0 और Q3 को, यानी ये वाली एंट्री को। तो Q0 पे A इनपुट देने से हम Q1 रीच हो रहे हैं और Q3 पे A देने पर भी Q1 रीच हो रहे हैं, तो ये सेम स्टेट आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब B इनपुट के लिए देखें, Q0 पे B इनपुट देने पे हम Q2 पे रीच हो रहे हैं और Q3 पे B इनपुट देने पे हम Q4 पे रीच हो रहे हैं। Q4 क्या है? एक फाइनल स्टेट। और Q2 क्या है? एक नॉट फाइनल स्टेट। क्योंकि Q0 और Q3 पे B इनपुट से जो ट्रांजिशंस आ रहे हैं, Q0 को ये ट्रांजिशन B का इनपुट का ट्रांजिशन, B इनपुट का ट्रांजिशन उसे नॉन फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है, और Q3 का B इनपुट का ट्रांजिशन उसे फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों स्टेट्स इक्वलेंट नहीं है। तो Q0 एंड Q3 वाली एंट्री को हम कर देंगे क्रॉस, इसका मतलब है Q0 एंड Q3 आर नॉट इक्वलेंट। ठीक है, तो इसमें तो सेम स्टेट आई थी, इसमें क्या आई? एक नॉट फाइनल आई और एक फाइनल स्टेट आई। तो Q0 और Q3 इक्वलेंट नहीं है, हमें टेबल में X मार्क करना पड़ेगा। अब हम बाकी एंट्रीज को चेक करेंगे। तो अब हम चेक कर रहे हैं, अब हम कौन सी एंट्रीज चेक करेंगे? ये वाली Q1, Q2 और Q1, Q3। तो Q1, Q2 और Q1, Q3 को चेक करेंगे। Q1 के ट्रांजिशंस देखें तो Q1 पे A इनपुट देने से हम Q1 पे ही रीच हो रहे हैं, और Q2 पर A इनपुट देने से हम Q1 पे रीच हो रहे हैं, यानी सेम स्टेट पर। Q1 पे A से भी Q1 पे रीच हो रहे हैं और Q2 पे A से भी Q1 पे रीच हो रहे हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब Q1 पर B इनपुट देने से हम Q3 पे रीच हो रहे हैं और Q2 पर B देने से हम Q2 पे रीच हो रहे हैं, तो ये भी एक नॉन फाइनल स्टेट है, ये भी एक नॉन फाइनल स्टेट है। इसका मतलब है Q1 एंड Q2 आर इक्वल है। Q3 और Q2 दोनों ही क्योंकि नॉन फाइनल स्टेट है, इसका मतलब है Q1 और Q2 इक्वलेंट होंगे, तो हम टेबल में X मार्क नहीं करेंगे। अब हम Q1 और Q3 को चेक करें। तो देखो Q3 वाला तो नॉन इक्वलेंट ही आना है क्योंकि ये इसका ट्रांजिशन इसको फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। Q1 पे A इनपुट देने से हम Q1 रीच हो रहे हैं, Q3 पे A इनपुट देने से Q1 रीच हो रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब B इनपुट देखें तो Q1 पे B इनपुट देने से हम Q3 रीच हो रहे हैं और Q3 पे B इनपुट देने से हम Q4 पे रीच हो रहे हैं, तो Q1 का ट्रांजिशन उसे नॉन फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है और Q3 का B ट्रांजिशन उसको फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है। इसका मतलब है Q1 एंड Q3 जो है वो इक्वलेंट नहीं होंगे, तो हमें टेबल में Q1 और Q3 वाली एंट्री में X शो करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है Q1 एंड Q3 इक्वलेंट नहीं है। अब हम एंट्री कौन सी चेक करेंगे? ये वाली Q2 और Q3 वाली, मतलब हम कॉलम वाइज चेक कर रहे हैं। पहले हमने इस कॉलम में चेक किया, फिर इस कॉलम में चेक किया, अब इस कॉलम में चेक कर रहे हैं। इस वाले कॉलम में तो एक ही सेल है जिसका किसका है Q2 और Q3, तो हमें चेक करना होगा Q2 और Q3 के ट्रांजिशन। तो Q2 और Q3 के ट्रांजिशन देखें तो Q2 पे A इनपुट देने से हम Q1 पे रीच हो रहे हैं और यहाँ पर भी Q3 पे इनपुट देने पे Q1 पे रीच हो रहे हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q2 पे B देने पे हम Q2 पे रीच हो रहे हैं, यानी एक नॉन फाइनल स्टेट पे, और Q3 पर B इनपुट देने से हम कहाँ रीच हो रहे हैं? Q4 पे, यानी कि एक फाइनल स्टेट पे। तो अगेन नॉन फाइनल और फाइनल का कॉम्बिनेशन आ गया, यानी कि Q2 और Q3 इक्वलेंट नहीं है। तो Q2 और Q3 इक्वलेंट नहीं है, इसीलिए हमने X मार्क शो किया है टेबल में। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमने ये कॉलम चेक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। अब अगेन हम कहाँ से जाएंगे? फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को फिर से चेक करेंगे। तो हम फिर से यहाँ पर क्या चेक करेंगे? Q0 और Q1 को, ठीक है। तो Q0, ये स्टेप कब तक रिपीट करती जानी है? जब तक कि आपको दिखे कि टेबल में अब कोई भी न्यू क्रॉस नहीं आ रहा है। तो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है। यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे? Q0 और Q1 को चेक करेंगे और Q0 और Q2 को चेक करेंगे। तो Q0 और Q1 को चेक करो और Q0 और Q2 को चेक करो। तो Q0 एंड Q1 के ट्रांजिशंस आप टेबल में, आप डायग्राम में देख लेना जो गिवन है DFA। तो यहाँ पर Q1 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर Q3 Q2 आ, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हम देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था कि Q0 पे B इनपुट देने से Q3 आप आ रहे थे और Q1 पे B इनपुट देने से आप Q2 मूव हो रहे हैं। दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट हैं, लेकिन
अगर हम यहाँ पर देखें टेबल में तो Q3 और Q2 हमें पता चल चुका है ये इक्वलेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वलेंट नहीं है इसका मतलब है कि Q0 और Q1 भी इक्वलेंट नहीं रहेंगे, इसे भी हमें क्रॉस मार्क करना पड़ेगा टेबल में। तो एज Q2 एंड Q3 पेयर मार्क्ड एक्स इन टेबल, सो Q0 एंड Q1 ऑल्सो मार्क्ड एज एक्स इन टेबल। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी फर्स्ट टाइम जब हमारे सारे कॉलम्स की एंट्री हो गई और अगेन से हम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी स्टेट्स आ रही हैं, उनमें कहीं क्रॉस तो नहीं लगा हुआ उस सेल में, उसके करस्पॉन्डिंग सेल में क्रॉस तो नहीं। अगर क्रॉस है तो आपको इन स्टेट्स में भी जिनके लिए आप चेक करें उनको भी क्रॉस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम किसको चेक करेंगे, Q0 और Q2 को। तो Q0 एंड Q2 का ट्रांजिशन डायग्राम में जब आप देखोगे तो A इनपुट से Q1 रीच हो रहे हैं और Q2 रीच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या Q1 Q2 मार्क्ड है क्या इसमें, Q1 Q2 कौन सी एंट्री, यहाँ पर ये मार्क्ड नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे B के ट्रांजिशंस, तो B देने पे Q2 पे रीच हो रहे हो, ठीक है, तो Q2 तो एंट्री होती नहीं है, तो इसका मतलब है नो चेंज इन टेबल इन एंट्री Q0 Q2 ब्लैंक ही रहेगा, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब सेकंड कॉलम पे आ जाओ तो क्या ये एंट्री Q1 Q2, हमें Q1 Q2 को चेक करना। तो Q1 Q2 को जब हम चेक कर रहे हैं तो A इनपुट पे तो Q1 Q1 आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम स्टेट आए। B इनपुट देने से हम Q3 Q2 पे रीच हो रहे हैं, अगेन हम देखें तो Q2 Q3 एंट्री जो है वो X मार्क्ड है, उसमें एक्स मार्क है, का मतलब है Q1 Q2 में भी हमें एक्स मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली एंट्री जो है Q1 Q2 इसमें हमें एक्स मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसे, एज Q2 Q3 पेयर मार्क्ड इन टेबल मार्क एक्स फॉर Q1 Q2 पेयर ऑल्सो, तो Q1 Q2 में भी हमने एक्स मार्क कर। तो अब एंट्री कौन सी बची हुई है, Q0 Q2, तो Q0 Q2 को फिर से चेक करो। तो Q0 Q2 को अगर आप चेक करोगे तो Q1 Q1 तो होती ही नहीं है टेबल में एंट्री, और Q2 Q2 भी एंट्री नहीं होती है, इसका मतलब है कि ये वाला सेल कभी भी मार्क नहीं होगा, ठीक है। तो Q0 Q2 क्योंकि मार्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब है Q0 एंड Q2 क्या है, इक्वलेंट है, सेम स्टेट्स हैं, इक्वलेंट स्टेट्स हैं। तो एज स्टेट्स Q0 एंड Q2 आर अनमार्क्ड पेयर्स इन टेबल, That means Q0 and Q2 are equivalent states. तो equivalent states हैं तो हम क्या कर सकते हैं, Q0 और Q2 को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको इक्वलेंस थ्योरम से भी कराया था, उसमें भी यही आउटपुट आया था, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। तो ट्रांजिशन टेबल में Q0 और Q2 को मर्ज कर लेना और उनके ट्रांजिशंस लिख लेना, ठीक है। बाकी स्टेट्स एज इट इज रहेंगी, जो ट्रांजिशंस Q0 और Q2 पे आ रहे थे वो आपको देखने पड़ेंगे। तो ये हो गया स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऑफ मिनिमल DFA।